हेलो फ्रेंड्स, आज आपको दिखाऊंगा वीवो का एक जो प्रॉब्लम है वो आपको दिखाने वाला हूँ। वो क्या प्रॉब्लम है, वो आपको कैसे सॉल्व करना है आपको दिखाऊंगा। तो जब आप किसी भी वीवो फ़ोन को रीसेट करेंगे तो रीसेट करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम फेस होगा। तो ये प्रॉब्लम कैसे सही किया जाए आपको दिखाऊँगा। सिंपली आपको रीसेट करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन आने के बाद आप जब नेक्स्ट करके जब आगे निकलोगे नेक्स्ट करके तब आपको दिखाएंगे ये जो प्रॉब्लम है, स्किप करके कहूँगा यूज नाउ। देखिए ये नॉट साइन इन दिखा रहा है सेटअप फ़ोन, ठीक है। इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्यूशन किया जाए आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले सेटअप फ़ोन को क्लिक करके आगे जाना है और उसके बाद नेक्स्ट करके आना है जो सिंपल का सेटिंग है, अगर लैंग्वेज सेटिंग है। तो सबसे पहले आपको वाईफाई को सिलेक्ट करना है। वाईफाई का पासवर्ड डालने के बाद आपको पासवर्ड वाईफाई को कनेक्ट करना है, ठीक है। किसी भी वाईफाई होगा, चाहे आपको मोबाइल का जो वाईफाई है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वाईफाई सेट करने के बाद आपको नेक्स्ट करके आगे जाना है। दोस्तों पहले आपको दिखाऊंगा ये डोंट कॉपी में जो क्लिक करना किया है वो बाद में करना है, अभी नहीं। फिलहाल इस तरह का ऑप्शन आएगा, पैटर्न मांग रहा है, ठीक है। तो पैटर्न भी भूल चुका हूँ, तो पैटर्न अगर याद रखिए तो अच्छा है, अगर भूल जाएगा तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो आपको बैक करके जाना है, तो बैक करके आपको स्किप करके इस तरह का ऑप्शन फॉलो करके आपको आगे जाना है, ठीक है। आगे जाके आपको क्या करना है, सिंपल एक मेथड है, यहाँ पे दिखा रहा है ऐड फेस और ऐड फिंगरप्रिंट। अगर आप यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट में क्लिक किया तो आपको यहाँ पे पैटर्न मांग रहा है, ठीक है। सिंपली आपका मर्जी आपको पैटर्न सेट कर देना है फ़ोन में। इसके लिए आपको नेट का ऑन करना है और यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन मांग रहा है आप किसी भी टाइप का दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दोनों में ए टाइप कर देके डेटा सेव करके रखा हूँ। अभी जो फिंगरप्रिंट में जा रहा है तो उसको कैंसिल करके आगे जाना है। यहाँ पे सिर्फ आपको जो पैटर्न है वो सेव हो जाएगा, उसके बाद आपको स्किप करके आगे जाना है, ठीक है। इस तरह का आने के बाद ये फाइनल प्रोसेस है, उसके बाद आपको नेक्स्ट करके आगे जाना है, ठीक है। नेक्स्ट करके आगे जाके आप यहाँ पे जो स्किप का ऑप्शन है स्किप करना है, ठीक है। स्किप करने के बाद स्किप नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट करके अगर जो डोंट कॉपी वाला जो पहले क्लिक किया था वो अभी क्लिक करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी पैटर्न मांग रहा है, ठीक है। अभी जो ये पैटर्न सेट किया था वो पैटर्न आपको यहाँ पे इनपुट कर देना है। इनपुट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ गया है, इसका मतलब है इसका जो एफ आर पी लॉक है ये हट गया है, ठीक है। तो इस तरह का किसी भी वीवो फ़ोन को आप अनलॉक कर सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट करके आगे जाना है, देखिए यूज नाउ पर क्लिक किया हूँ, देखिए फ़ोन पूरी तरह अनलॉक हो चुका है। ये है सिंपल का तरीका। दोस्तों ये हो सकता है आपका फ़ोन में पैटर्न भूल गया हो या पासवर्ड भूल गया हो, इस तरह का मेथड आपको यूज़ करने के बाद आप फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।